मैं शिखा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं के भारत में। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल बुलेटिन की। पाइप आपूर्ति घोटाले में जल शक्ति विभाग में आरोप लगाने वाले संजय सिंह के खिलाफ बस्ती से विधायक अजय सिंह FIR लिखवाने पहुंचे। देखिए लखनऊ से ये खास रिपोर्ट। आरोप लगाया कि संजय सिंह ने गलत तरीके से नाम लेकर कूट रचित दस्तावेजों के साथ मीडिया को दिखाया है, इसके खिलाफ शिकायत की जा रही है। हजरतगंज थाने में मुकदमा लिखवाने पहुंची बस्ती के विधायक अजय सिंह। चैक डैम घोटाले के कागज दिखाकर पाइप आपूर्ति घोटाला बताया। विधायक जी, आप किस मामले में यहाँ पे थाने पहुँचे हैं और किसके खिलाफ FIR दर्ज करवाया? 8 तारीख को डॉक्टर संजय सिंह जो है आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कुछ पाइप की आपूर्ति को लेकर के हमारी सरकार पर आरोप लगाया था, जल शक्ति विभाग का आरोप लगाया था। उन्होंने उसमें मेरा नाम भी नाम शामिल किया था। मेरे खिलाफ उन्होंने पूरी तरह से मानहान किया है, मेरी सरकार को बदनाम किया, मुझको बदनाम करने का उन्होंने प्रयास किया है। उनका पूरा का पूरा कूट रचित है, फर्जी और फ्रॉड की विरासत पर है। कोई भी कागजात उनके सही नहीं है, उन्होंने फर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। मैंने उनके खिलाफ FIR कराने के लिए आया हूं हजरतगंज थाने में। उन्होंने जो कूच रचित दस्तावेज तैयार किया 2017-2018 को, उसमें जल शक्ति विभाग था भी नहीं, ना डॉक्टर महेंद्र सिंह जी मंत्री थे, ना मैंने कोई पत्र दिया था। पिछली सरकार में चेक डैम में जो हुआ घोटाला था, चेक डैम में जो घोटाला हुआ था उसके खिलाफ मैंने जाँच के लिए अनुरोध किया था नियम 51 के तहत विधानसभा अध्यक्ष जी से, और इसका कोई लेना देना नहीं, लेकिन उन्होंने जल शक्ति को उसके साथ जोड़ा जो कि पूरी तरह गलत था। मेरा मांग है कि डॉक्टर संजय सिंह को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और नियम संगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करके पूरी कार्रवाई की जाए। आपसे आपकी मुलाकात इंस्पेक्टर साहब से हुई है कि नहीं हुई? मेरे जो सक्षम अधिकारी उनसे मेरी मुलाकात हो गई, उनको मैंने FIR दे दिया, FIR मेरी लिखी जा रही है। FIR दर्ज नहीं होती तो क्या करेंगे आगे? FIR बिल्कुल दर्ज होगी, FIR क्यों नहीं दर्ज होगी? मैं कैसे कह दूं FIR दर्ज नहीं होगी? FIR बिल्कुल दर्ज होगी और कार्रवाई भी होगी। ऐसे नहीं हो सकता कोई हिट करे और रन करके भाग जाए, फर्जी कर दे, फ्रॉड कर दे, जो कुछ चाहे वो कर दे, बोल भी दे, उनके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं हो, पूरी कार्रवाई होगी। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, ये जीरो टॉलरेंस पे चलती है, कोई इस तरह से हिट करके भाग नहीं सकता। कांग्रेस के बीजेपी गद्दी छोड़ो अभियान, देखिए लखनऊ से खास रिपोर्ट। गद्दी छोड़ो अभियान के तहत लखनऊ की बख्शी का तालाब इलाके में कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ताओं ने महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा एवं लचर कानून व्यवस्था समेत अन्य मुद्दों को लेकर बीजेपी सरकार के खिलाफ मार्च निकाला। महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, किसानों की समस्याओं और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर अभियान, देखिए लखनऊ से खास रिपोर्ट। कांग्रेस नेता अजय श्रीवास्तव, पूर्व विधायक श्याम किशोर शुक्ला ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ किया पैदल मार्च। पुरनिया पुल से पक्का पुल तक सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने किया पैदल मार्च। भाजपा सरकार के विरोध में नारेबाजी, देखिए बुलंदशहर से प्रदीप पंडित की खास रिपोर्ट। अनूप शहर में जिला कांग्रेस के अध्यक्ष शिवपाल सिंह के नेतृत्व में भाजपा सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए महंगाई पर अंकुश लगाने की मांग की। इस अवसर पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री सतीश शर्मा, पूर्व नगर अध्यक्ष प्रभात कौशिक, राहुल बाल्मीकि, नटवर राज शर्मा, सतीश शर्मा, गोपाल सिंह होगी, पूर्व चेयरमैन सुभाष शर्मा बुलंदशहर, नितिन शर्मा आदि के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता जुलूस में मौजूद रहे। मुहर्रम को लेकर कमिश्नरेट पुलिस सतर्क, देखे लखनऊ से खास रिपोर्ट। पुराने लखनऊ में पुलिस ने ड्रोन कैमरे से निगरानी हेतु किया ट्रायल। कमिश्नरेट पुलिस ने मजलिसों वाले रूट और संवेदनशील इलाकों में निगरानी के लिए ड्रोन कैमरे से किया ट्रायल। पुलिस ने बजाजा, अकबरी गेट, बिलौजपुरा और पाटा नाला सहित कई संवेदनशील इलाकों में की निगरानी के लिए ड्रोन कैमरे से ट्रायल। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए के भारत।